तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। जस्टिस श्रीवास्तव के नियुक्ति की अधिसूचना जारी। तो जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। जस्टिस श्रीवास्तव के नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनीष, देखिए, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, क्या कुछ अभी पूरी अपडेट? जी, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है अब राजस्थान हाईकोर्ट के अगले जो चीफ जस्टिस होंगे, इसके लिए विधि मंत्रालय की तरफ से आज जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। 7 मार्च से राजस्थान के चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव साहब होंगे, और जो वर्तमान जो सीजे हैं अखिल कुरैशी, तो ये 6 मार्च को जो है रिटायर होने जा रहे हैं। इसके लिए जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर फेयरवेल जो रेफरेंस पार्टी है वो होगी, और उसके बाद में जो 7 मार्च से एनएम श्रीवास्तव जस्टिस है, तो फिलहाल जो अभी राजस्थान के अंदर डबल बेंच के अंदर ही ये एनएम श्रीवास्तव साहब है, यहीं पे अभी जो है जस्टिस भी है, और इसके बाद में अब चीफ जस्टिस का कार्यभार जो है संभालने जा रहे हैं। इनको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे मिलने जा रही है, और ये बड़ी खुशी की बात भी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही बहरहाल जो है एनएम श्रीवास्तव साहब डबल बेंच के अंदर यहाँ पे जस्टिस, और अब अगला जो है इनकी बड़ी जिम्मेदारी है वो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर सीजे के रूप में रहेगी। जी शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।